आमिर मुसवा पॉडकास्ट सीरीज में मैंने जो मैंने माय मैसेज के नाम से एक अलग से सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें मैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। और मैंने आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई थिंक वी शुड टॉक ऑन दिस टॉपिक। कि यार ये मैंने टॉपिक बेसिकली कल मैंने देखा है कि इसका जो है ना वो शिद्दत बड़ी वो बढ़ गई है। लोग इसकी बात को ना इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात बड़ी ना बिना सोचे समझे कर देते हैं। टॉपिक ये है कि एक इंसान अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है ना, तो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकता कि यार मैं इस पार्टी में तो तुम्हें भी इस पार्टी में आना पड़ेगा। ये जो मजबूरन ये जो आप शर्त लगाते हैं ना, ये ना किया करें यार, ठीक है। हर इंसान की अपनी एक ज़ाती राय होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी, आज़ादी एक वर्ड होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा वो, ठीक है। वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है इस हवाले से कि यार अगर तुम पीटीआई के सपोर्टर हो तो तुम्हारा नून लीग के साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए, या नून लीग का जो बंदा है उसकी तुम्हारी मेंटेलिटी नहीं मैच होती, तो इसका मतलब नून लीग का छोटी मेंटेलिटी वाला बंदा होता है। ऐसा नहीं है। ये वो बातें हैं जो मैंने कल देखी हैं रिकॉर्डिंग में। मैं चूँकि रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ लाहौर की डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट लोगों के साथ मिलता रहता हूँ, तो मैं कल देखी उत्थे चीज़ यार लोग की, मतलब असी साड़ा क्वेश्चन है हो जैसे कि यार जिदे च जरा थोड़ा जा पॉलिटिकल पॉलिटिकल बेस साड़ा क्वेश्चन सी, ते उत्थे उन लोग की यह कह रहे हैं कि यार जे तू इमरान खान नू सपोर्ट नहीं करदा तां मतलब तू मुहिब्बुल वतन नहीं है, ते जे तू नवाज शरीफ नू सपोर्ट करदा तां मतलब तू पाकिस्तान नाल मुहब्बत नहीं करदा। यार ये क्या मैंटेलिटी है, वट इज़ दिस यार, ऐसे थोड़ी होता। मतलब वहाँ पर एक बंदा कहता है कि यार अगर पेट्रोल जेरा है वो 1000 रुपये लीटर हो जाए, वोट मेरा नवाज शरीफ दे, तो ये उसकी एक जाती जाती राय है यार। आप उसकी राय को चेंज नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर का ओदी कन पट्टी ते पसो रख के उन्होंने तुम मजबूरन फोर्स नहीं कर सकते कि यार तू यह गलत गल कर रहे हैं, या तू नवाज शरीफ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तेनों इमरान खान ने सपोर्ट करना चाहिए। और नवाज और इमरान खान के केस में भी मैंने ये देखा कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर है वो कहता है कि यार ये नून लीग का वर्कर है, ये मेरे लेवल का ही नहीं है। वो इस तरह से मतलब ट्रीट करते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मतलब वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपको अवेयरनेस नहीं है, आप जाहिल है। लोग इस तरह की बात करते हैं यार, लोग बड़ी हैरानगी ना पूछते यार तू इमरान खान को नहीं सपोर्ट करता है? नहीं यार, तू कैसे यार जाहिल आदमी यार। भाई ऐसे नहीं है, आपकी मेहरबानी ऐसे नहीं है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस आप में है, अगर आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ये आपकी ज़ाती राय है और ये एक अच्छी चीज़ है, ये होनी भी चाहिए। हमारे मुल्क में चूँकि सियासी असर रसूख बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नौजवानों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है, सियासी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है नौजवानों में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सारे नौजवान नून लीग को पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे या सारे नौजवान नून लीग के ही मुखालिफ होंगे। हम चूँकि पंजाब की बात करें, चूँकि मैं इधर लाहौर में कल रिकॉर्डिंग करा तो वहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी लोग थे, तो मैंने कल ये चीज़ देख के ना मैं बड़ा हैरान हुआ है। एंड आई थॉट कि यार इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ जो अपने मेरे मैसेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए कि यार खुदारा आप किसी को फोर्सफुली मजबूर ना कराया करो कि यार तू जे इमरान खान का हमायती होगा तो फिर ही तू पाकिस्तान में मोहब्बत करने लाएंगे, जे तू इमरान खान का हमायती नहीं है तो जे तू नून लीग सपोर्ट कर दे तो जाहिल है, तू पटवारी है, तू बहुत बड़ा। यार आप पढ़े लिखे कौम में अपना शुमार करना चाहते हैं तो खुदारा इस तरह की मैंटेलिटी से बाहर निकले, ठीक है। आपको ऐसा किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं थोप देना चाहिए कि यार तुम्हें इमरान खान को ही सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें नून लीग को छोड़ना चाहिए। मैं कल एक ऐसे इलाके में रिकॉर्डिंग कर रहा था जहाँ पर नून लीग का असर और रसूख ज़्यादा था, ठीक है, और वहाँ पर जो इलाका में गए थे वो पीटीआई के ज़्यादा थे, ठीक है। अब वो ज़्यादा थे या कम थे, मुझे तो जितने लोग मिले वो पीटीआई के थे। अब कोई 10 बार अगर नून लीग के मिले भी हैं तो वो पीटीआई वाले उनको कह रहे हैं तू जाहल है और तेनों पता ही नहीं हैगा, ताड़ी वजह ना मुल्क दया हालात तो इन्हें इंज हो गया, इंज हो गया। ओ भाई बड़ी मुश्किल से मामला वहाँ पर कंट्रोल किए। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है आखिर में कि यार ये एक बकायदा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, हर इंसान की अपनी एक ज़ाती राय होती है। घर में जब कोई इवेंट होता है तो उसमें भी हर एक से मशवरा लिया जाता है, ठीक है, फिर मशवरे के मुताबिक ही इकदाम जो है वो उठाए जाते हैं, जो स्टेप है वो लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम मेरे मशवरे पे या मेरी बात को फोर्सफुली मान कर चलो, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं आप कर सकते इस तरह। तो वो फिर अगले बंदे की जो ज़ाती राय है वो भी इसका मतलब उसकी कोई वो कदर ही नहीं है, उसकी आपने कोई अहमियत ही नहीं दी उसकी बात को, ठीक है। आप ये इस तरह से मत कहा करें। तमाम वो लोग जिन्होंने
जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि यार आप पीटीआई के हैं, यार आप पढ़े लिखे हैं, यार आप पीटीआई के साथ नहीं है। यार लोग इस तरह से बात करते हैं, यार अगर वो पढ़ा लिखा और पीटीआई के साथ नहीं है तो इसमें उसका क्या गुनाह है यार। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा आलमी है कि यार पढ़ा लिखा होने के बावजूद पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी एक बहुत बड़ा उसको जाहिल लोगों की लिस्ट में जो है उसका शुमार किया जाता है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो नून लीग का सपोर्टर है उसको भी जाहिल लीग से जाहिल लोगों में। मतलब यार ये इस तरह की मेंटेलिटी है, इस तरह की वेव है हमारी इधर सोसाइटी में, इस तरह से नहीं होता भाई। ठीक है नून लीग में भी वो बड़े वो जिसे कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है, नवाज शरीफ की पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, इमरान खान की भी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं किसी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी सिर्फ एक सोच और एक सोच को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि यार अगर कोई बंदा नून लीग का सपोर्टर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला नहीं है, और अगर कोई बंदा इमरान खान का सपोर्टर नहीं है तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं है। हर बंदे की अपनी एक जाती राय है, हो सकता है कि वो नून लीग को पसंद करता हो, इमरान खान को ना पसंद करता हो, लेकिन वो रहता तो मुल्क में ही ना, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो पाकिस्तान में रहता है, वो टैक्स पेयर है, वो नून लीग का सपोर्टर है। ठीक है अगर वो इमरान खान से मोहब्बत करता है, इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो भी पाकिस्तानी है, वो भी मुल्क से मोहब्बत करता है। हम सब एक ही मुल्क में रहने वाले हैं, हमारा पॉलिटिकल वो इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम किसी के ऊपर अपनी वो जो बात है उसको थोप नहीं सकते भाई। ये मैं मतलब मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, मैंने ये चीज देखी है कल। कल क्या मतलब देख तो मैं काफी अरसे से रहा हूँ, कल मैंने बहुत ज्यादा देखी है और मुझे लगा कि यार इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करनी चाहिए। ठीक है अगर कोई बंदा नून लीग का सपोर्टर है, अगर कोई बंदा पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, अगर कोई बंदा पीटीए का सपोर्टर है, तो वो उनकी अपनी जाती राय है। ठीक है वो क्या नून लीग वाला कहता है जी मेरे वड्डे नून लीग में वोट पाते आ रहे हैं, तो मेरा वोट भी नून लीग थे, जो मर्जी हो जाए। मरियम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है अगर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा है तो वो कहता है जी मैं हम तो बेनजीर भुट्टो से इंस्पायर्ड है, तो हमारा वोट पीपल्स पार्टी का ही है। तो यार हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह पीटीआई का जो बंदा है वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे का भी हक बनता है कि उसकी राय को एक्सेप्ट करे कि वो पीटीआई का है, उसके ऊपर जबरदस्ती ना करे कि यार तुम इमरान खान को सपोर्ट करते तो तुम हमारे साथ आ जाओ। किसी के ऊपर फोर्सफुली अपनी बात को मजबूरन मनवाने की कोशिश करना ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है, और इसी की वजह से जो जाती रंजिशें, अदावतें, नफरतें जो है वो जन्म लेती हैं। ठीक है बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन ये मामूली सी बात ना समटाइम बड़ी शिद्दत अख्तियार कर जाती है, जो कल मैंने देखा है। ठीक है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक तरफ नून लीग के थे, एक तरफ पीटीआई के थे, वो दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तू जहाल हो, कहना नहीं तू जहाल है, ऐसा नहीं है। ठीक है उसकी भी जाती राय का एहतराम करना चाहिए, आपकी भी जाती राय का एहतराम है। ठीक है उसका भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिस पार्टी के साथ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपका भी पॉलिटिकल जो अफेयर है जिस पार्टी के साथ उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसमें कोई किसी को जाहिल का टाइटल नहीं दे सकता, आई थिंक सो। ठीक है और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा चीज़ है, और मैंने इसलिए सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर आज आपके साथ गुफ्तगू करूँ, एंड आई होप कि आप मेरे आज के इस वीडियो से आपको जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आपको कन्वे हो गया है कि यार जो जिसकी जाती राय है ना उसको खुश असलूबी से तस्लीम कर लेना चाहिए, और यही एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छी आदत है कि अगर आप उसको खुश असलूबी से तस्लीम कर लेते हैं। अगर आप उसके ऊपर फोर्सफुली कहेंगे कि यार नहीं तुम मेरी ये बात मानो, तुम इस पार्टी में आओ, या तुम्हें इस पार्टी में होना चाहिए, या तुम इस पार्टी में नहीं हो तो तुम जाहिल हो, या तुम फलां पार्टी में नहीं तो तुम जाहिल हो, तुम लोग हो ही जाहिल, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने वाली लाइन ट्रेन बना दी खसारा ये वो, प्लीज़ यार पढ़े लिखे हैं हम लोग। ठीक है ज़रा थोड़ी जी अवेयरनेस रख के गल कराया करो, एन जी मुँह चुक के ना हवाई फेर कर दिया करो, तो यू शुड हैव टू अवेयर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सिनेरियोस कि यार बेसिकली जाती राय देना कोई गलत बात नहीं होती। सो आखिर में मेरा मेरा हमेशा मेरे मुल्क के लिए मैसेज, आई लव माई कंट्री, और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू।